बनाई गई है, वो जांच कमेटी यहाँ पहुँची है। वहीं अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तीन डॉक्टर हैं, साथ ही ख्याल रहे कि उसके हॉस्पिटल तक गरीब गुरबा कैसे पहुँचेंगे। कोई गरीब अगर पैदल आएगा तो कैसे। दूसरी हकीकत मैं दिखाता हूँ शहर का, किस प्रकार से यह समाज से भी अतिक्रमण किए हुए। देखिए आप पूरा ये नई नई स्थापित हुई है। शिखा कुमारी जी को भी कहना चाहूँगा कि आप आए और एक बार जांच करें, देखें कि ये क्या अतिक्रमित है या न्याय की किसी के साथ गलत होने की। तो इस पर सवाल जवाब क्या कहा गया, पर मजबूर हैं, लाचार हैं, देखें कब तक न्याय मिलता है या हो सकता है ना भी मिले। मधुपुर के अनुराग अस्पताल में वहाँ कार्य कर रही नर्स ईसा के मौत के बाद जहाँ मधुपुर शहर में यह मामला अब आग की तरह फैल रहा है, और अब ठीक 5 दिनों के बाद छठे दिन आज डीसी के द्वारा जांच कमेटी जो बनाई गई है, वो जांच कमेटी यहाँ पहुँची है। वहीं अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तीन डॉक्टर हैं, साथ ही मधुपुर के जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं वो विनय कुमार पांडे जी, और तीन डॉक्टर हैं जिनमें प्रज्ञा भगवती हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश हैं और डॉक्टर शंकर लाल मुर्मू। ये टीम आज आई है और अभी अनुराग अस्पताल में जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही जो द्वितीय पक्ष है जो आरोप लगाए हैं डॉक्टरों पर गलत चिकित्सा करने का, गलत ऑपरेशन करने का, वो भी पक्ष हैं, बाहर में इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जांच कमेटी की टीम। लेकिन क्या कुछ निकल के आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दिनों तक जिस प्रकार से लोग यहाँ जांच की मांग को लेकर के हमेशा सभी सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से करते रहे कि जो आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको लेकर के लगातार जांच रिपोर्ट जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो टीम गठित की है वो जांच रिपोर्ट वो अपना पेश करेगी, उसके बाद ही मधुपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई आगे की जाएगी। निशा की मौत के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी चिकित्सक व अस्पताल प्रबंधन पर मामला दर्ज नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों में रोष है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने की बात कह रही है। इधर संबंधित विभाग द्वारा 30 सितंबर को ही 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिनमें देवघर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर लाल मुर्मू, डॉक्टर वेद प्रकाश व सारठ की महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रज्ञा भाटी थी, जो न्यूज पर लगातार खबर चलने के बाद बुधवार को कार्यपालक दंडाधिकारी मधुपुर विनय पांडे के साथ अनुराग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों पक्षों से मिलकर बात की और जांच से संबंधित कागजात इकट्ठा की। डॉक्टर शंकर लाल ने कहा कि जांच अभी चल रही है, जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दिया जाएगा, तभी यह पता चलेगा कि सत्यता क्या है। हम लोग तो केवल इंक्वायरी करने आए, जो प्रथम दिशा से कुछ छन के नहीं आया सर, हम लोग तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, कभी तो गोपनीय है। और जो न्याय दिलाना तो न्याय न्यायपालिका का काम है। टीम में कितने सदस्य सर आप लोग? हम लोग 3 सदस्य। क्या नाम हो गया सर आपका? डॉक्टर शंकर लाल, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, डॉक्टर प्रज्ञा। क्या लगता है, पता चला सर जो ऑपरेशन यहाँ हुई थी सर, क्या उस ऑपरेशन के दौरान कोई लापरवाही यहाँ बरती गई थी? अभी तो उन सब के बारे में हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं दी। इधर मधुपुर नागरिक समिति, चंद्रवंशी समाज, अधिवक्ता संघ, भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आदि ने भी घटना की निंदा कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अनुराग अस्पताल में बीते दिनों निशा कुमारी के इलाज के बाद कोलकाता में इलाज के क्रम में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव के साथ अनुराग अस्पताल के बाहर जमकर बवाल काटा था। लेकिन आज जिस प्रकार से अखबार में छपा है कि समाज सेवी समाज सेवा का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, जिस समाज सेवी को यह ख्याल नहीं कि उसके हॉस्पिटल तक गरीब गुरबा कैसे पहुंचेंगे, उस समाज सेवी की रोड की हालत देख लीजिए। कोई गरीब अगर पैदल आएगा तो कैसे अस्पताल तक पहुंचेगा। ये समाज सेवी है, शहर के समाज सेवी जो कि लोगों को मदद करते हैं, अपने अस्पताल तक पहुंचने का तो रोड सही से नहीं बनवा पाए कि किस प्रकार से रोड में। उसके बाद दूसरा आपको दिखाते हैं, हम लोग कभी अस्पताल आते नहीं थे, कोई मतलब नहीं है, कोई पर्सनल हम लोगों की दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब लोगों की बात उठेगी, जब समाज की बात उठेगा, जब किसी के साथ अन्याय होगा तो खुलकर हम सभी सामने आएंगे। अब इस समाज सेवी की दूसरी हकीकत मैं दिखाता हूँ। शहर का नगर पालिका का नाला है ये, देख लीजिए साफ तौर पर, ये ड्रेनेज टाइप का बड़ा सा नाला है, और इस नाले को किस प्रकार से यह समाज से भी अतिक्रमण किए हुए हैं। देखिए आप पूरा ये अंदर का एरिया, ये अंदर एरिया
ये समाज सेवी जो अस्पताल के संचालक हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये अतिक्रमित किया गया है। ये सरकारी जमीन को, सरकारी नाले को, मैं तो यहाँ के अनुमंडल प्रशासन मधुपुर के नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं, प्रशासक हैं, अभी नई नई पदस्थापित हुई हैं, शिखा कुमारी जी को भी कहना चाहूँगा कि आप आएँ और एक बार जाँच करें, यहाँ देखें कि ये क्या अतिक्रमित है या नहीं है। ये अस्पताल जिस प्रकार से बनाया गया है, एक तो पूरा ये पार्किंग एरिया भी जो सामने का है वो तो हमेशा घेरा हुआ ही रहता है, लेकिन जो खुद नाला, जो सड़क से सटा हुआ सरकारी नाला है, उसे भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो हम लोग तो कभी यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन जब बात उठेगी किसी के साथ अन्याय की, किसी के साथ गलत होने की, तो इस पर सवाल जवाब होगा। हमारे साथ यहाँ है निशा के पिताजी हैं, आप आए एक बार, यहाँ आए हैं, अभी यहाँ पर हैं। आपको क्या बुलाया गया है, किसके तरफ से बुलाया गया? जांच टीम की तरफ से बुलाया गया है। क्या कहा गया था कि यहाँ जो जांच टीम आई है उनको जाकर बुला रहे हैं, जो जैसा हुआ है आपके साथ। तो अभी तक आपको बुलाया गया अंदर? जी गए, कुछ बातचीत हुई आपसे? सारा जो हम लोग के साथ ले लिया है, तो हमने बता दिया। जांच टीम की तरफ से कोई आपको आश्वासन या कुछ वैसा बात किए? कुछ नहीं कहा गया, बोलते जाँच कर। नीता के परिजन में है यहाँ संदीप जी, आप भी साथ में आए हैं, क्या लग रहा है? आज अखबार में भी कुछ बयान आया है, हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं, क्या कहेंगे अब इसके बाद? कार्रवाई इन लोगों के द्वारा अभी तक हो रहा है, जांच के सहारे हम लोग बैठे हुए हैं। जांच रिपोर्ट कब तक आती है, उसके बाद केस दर्ज होने की बात हो रही है। हम लोग न्याय के लिए बस इंतज़ार कर रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मजबूर हैं, लाचार हैं, देखें कब तक न्याय मिलता है, या हो सकता है ना भी मिले। तो साफ तौर पर अभी भी न्याय की आस में निशा के परिजन हैं, और ये जांच टीम पर निर्भर करता है कि जांच किस दिशा में जाती है। अगर पॉजिटिव होता है तो ज़रूर ही निशा के परिजन को इंसाफ मिलेगा, और अगर नेगेटिव होता है तो लोग खुद समझ रहे हैं। अब अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़। मधुस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है अभी। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी।